अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मुहिब अली'स फैमिली वीडियोस। मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल का बटन को लाजमी। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो जनाब, आप लोगों की बहुत ज़्यादा फरमाइश पे और मेरे सब्सक्राइबर जो उसे कह रहे थे कि नाता खान ब्रिज की तरफ जाएं आप और वहां से अपडेट करें, तो जी और गुलिस्तान जौहर की तरफ, तो जनाब गुलिस्तान जौहर तक की तो मैंने पूरी अपडेट दी है आपको। वो एरिया दिखाएं जो आज तक किसी ने नहीं दिखाए होंगे। वहां से आपको तमाम जहां तक सर्कुलर रेलवे गुजर रही थी वो सारे ट्रैक दिखाएं। गुलिस्तान जौहर का वो एरिया जहाँ पर ट्रैक ख़त्म तो नहीं हुआ था, लेकिन हम उसे आगे नहीं जा सकते थे क्योंकि वहाँ से बंद था रास्ता। आगे एक नाला बह रहा था और फिर क्या नाम है, दूसरी साइड पे कब्रिस्तान वगैरह था, तो हम उस रोड की तरफ नहीं गए थे। तो जी बस एक ही बीच में रह गया था स्टेशन, टीपू हिल स्टेशन, उसकी नहीं बनाई थी। तो आज हम आए हैं आप लोगों की फरमाइश में दोबारा नाता खान ब्रिज की तरफ और आपको यहाँ से दिखाएँगे जनाब कि क्या अपडेट है और वहाँ पे क्या क्या काम हो रहा है। तो जी वो एरिया जो है नाता खान के ब्रिज की उस तरफ वाला बहुत सन्नाटे वाला एरिया है, तो इस वजह से हम लोग वहाँ नहीं गए थे, लेकिन आज देखते हैं जाके क्या होता है। तो चलिए हमारे साथ। तो जी ये वो रास्ता है जो नाता खान ब्रिज की तरफ जा रहा है, लेकिन हम आपको पहले बिफोर दिखाएँगे फिर दिखाएंगे हम आपको आपकी अपडेट। तो जी नाता खान ब्रिज की तरफ की जो ये अपडेट है, न्यू अपडेट है, ये मैं आपको दूंगी बाद में। पहले मैं आपको दिखाऊंगी बिफोर वीडियो जो मैंने यहाँ की बनाई थी तकरीबन मार्च के महीने में, तो वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी और मैं आपको बताऊंगी कि हम जहाँ तक कहाँ तक गए थे, और उसके बाद जो बीच का रास्ता है वो मैं आपको मैप के ज़रिए बताऊँगी। तो जनाब ये मेरी पुरानी वीडियो है जो मैंने पहले बनाई थी मार्च में, और ये जौहर का एरिया है, रूफी फाउंडेशन का जी एरिया क्या है, और यहाँ पे हम आए थे वीडियो बनाते हुए नाजमाबाद से। मैंने तमाम ट्रैक दिखाए थे और यहाँ आके जनाब ये जो आपको दरख्त नज़र आ रहे हैं यहाँ से ट्रैक उतरते हैं, और यहाँ के रास्ता ख़त्म हो गया था तो हम यहीं से पलट गए थे, और हमें सामने गेट नज़र आ गया था जो बंद था रास्ता। ये आपको गेट नज़र आ रहा होगा, आगे रास्ता बंद था, आगे हम नहीं जा सकते थे, इससे आगे डिब्रू हिल स्टेशन आता, तो वो एरिया रह गया था। तो मैं इंशाल्लाह आपको भी बताऊँगी मैप के ज़रिए कि जो हम नहीं जा सके जिस एरिया में, यहाँ से गुलिस्तान जौहर से आगे, वो आपको दिखाऊँगी। इससे पिछली वीडियोस मेरी पूरी मुकम्मल वीडियो के सी आर की नाजामाबाद से लेकर गुलिस्तान जौहर तक। ये पूरी लाइन दिखाई आपको, ये है ये पूरी लाइन, ये पूरी गली हमने आपको दिखाई थी, गली थी, और यहाँ जाके दरवाज़ा बंद हो गया था, यहाँ पे दरवाज़ा बंद था। ठीक, अब यहाँ से आगे ये दरवाज़ा बंद हो गया, अब यहाँ से आगे ये है जो हम आपको नहीं दिखा सके, रास्ता नहीं था। असल में जो ये है वो ट्रैक जो सन्नाटे में, आगे नदी थी, रास्ता नहीं था, तो हम इस एरिया में नहीं आए, और ये पूरा सन्नाटे वाला एरिया था। और यहाँ से जी जा रही है ये सारी लाइन जो है, ये है के सी आर की, ये पूरी लाइन जो जनाब नज़र आ रही है के सी आर की। अच्छा, ये जा रही है लाइन के सी आर की, ये है पूरा सन्नाटे वाला एरिया, ये जा रहा है जी नाता खान की तरफ जाएगा, ये पूरा नाता खान की तरफ जा रहा है। और ये है नेक्स्ट स्टॉप, यूनिवर्सिटी के बाद जो नेक्स्ट स्टेशन आएगा वो ये है, और यहाँ पे पॉसिबल नहीं था, यहाँ पे पॉसिबल नहीं था ना,
ओवरहेड ब्रिज, ये पूरा एरिया सन्नाटे में है। यहाँ पे नदी बह रही है, साइड में नदी है। तो ये जी वो एरिया है जो हम आपके लिए नहीं बना सके, हमने कोशिश की थी। नाता खान, हाँ ये कब्रिस्तान है, आ गया था सारा कब्रिस्तान आ गया। और ये सारा यहाँ तक तो हम आए थे, ये जी सारा कब्रिस्तान है। और यहाँ से फिर ट्रेन निकली है नाता खान ब्रिज के नीचे। अरे यार ये ना, अरे भाई ये है ना, ये है, ये से तो फिर उधर मुड़ जाएगी। हाँ उधर ही तो जा रही है। अच्छा फिर यूं जा रहा था, ये यूं जा रहा था ट्रैक। दो ट्रैक हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, एक इस तरफ आएगा और एक उस तरफ जाएगा। चलो सही, यहाँ से ले तुम दोबारा। हम यहाँ तक आए लेकिन यहाँ पे बहुत सन्नाटा होने की वजह से ये पूरा ट्रैक बिल्कुल सही आ रहा है, ये पूरा ट्रैक है। तो जी ये वो रास्ता था जो हम आपको नहीं दिखा सकते थे क्योंकि हम अकेले यहाँ से नहीं गुजर सकते थे बाइक पर, क्योंकि बहुत बुरे इलाके में सन्नाटा था और कब्रिस्तान भी बीच में पड़ रहा था। तो वैसे ही मुझे बहुत डांट पड़ती है कि ऐसी जगहों पे मत जाया करो, तो इस वजह से भी हम लोग यहाँ नहीं आए थे। और यहाँ पे कोई आबादी भी नहीं है जिसकी वजह से हम लोग यहाँ नहीं आए थे, हमने अवॉइड किया था। हिल स्टेशन है जो यूनिवर्सिटी के बाद पड़ेगा और ये तमाम एरिया सन्नाटे का है। हम उस रोड से पीछे वाले रोड से गए थे, इस एरिया में नहीं आया। तो ये वो एरिया जो हम आपको नहीं दिखा सके, पूरा एरिया सन्नाटे वाला है। तो यहाँ आने का हमने रिस्क नहीं लिया, यहाँ तक हमने आपको दिखाया। यहाँ पे आके दरवाज़ा बंद हो गया था, तो इससे आगे की ये है KCR की लाइन। तो जी जनाब, हम लोग पहुंच गए हैं इस वक्त नाता खान ब्रिज की तरफ और ये वहां की कंडीशन है। तो जी ये वीडियो मैंने बनाई थी मार्च में और जब थोड़ी सी खुदाई करके इसकी पट्टियां निकाली गई थी ट्रैक की, तो उस वक्त इतना काम नहीं था, सिर्फ पट्टी हटाई गई थी यहाँ से ट्रैक के ऊपर से। और आपको ये नज़र आ रहा होगा कि यहाँ कोई मजदूर वगैरह भी नहीं था, बस ट्रैक को साफ़ करके बताया गया था कि जी यहाँ से कोई ट्रैक गुजर रहा था। तो हम लोग सिर्फ यहाँ तक गए थे, इससे आगे नहीं गए थे क्योंकि कोई भी हमें यहाँ नज़र नहीं आ रहा था और आगे आबादी बिल्कुल भी नहीं थी, इस वजह से हम आगे नहीं गए थे। और आपके लिए हमने मैप के ज़रिए वो रास्ता सब दिखाया था। तो जी यहीं से हम वापस पलट गए थे और ये वो एरिया है जो 2 महीने पहले यहाँ की कंडीशन थी। और अब क्या कंडीशन है अब वो मैं आपको आगे वीडियो में, नई वीडियो में दिखाऊंगी कि अब मई में 29 मई को जो हम गए थे तो अब क्या वहाँ की कंडीशन है। तो ये जी 23 मार्च की है वीडियो और ये जब इस तरह बस थोड़ी बहुत खुदाई हुई थी, इतना सफाई से काम नहीं हुआ था, लेकिन आज जब हम 29 मई को गए हैं तो वहाँ काफ़ी काम स्टार्ट हो चुका था। आपको रोड भी नज़र आ रहा होगा कि रोड पे खुदाई वगैरह नहीं हुई थी और रोड बंद नहीं किया गया था। तो अब नेक्स्ट वीडियो में आप देखें कि वहाँ की क्या सूरत हाल है। तो जी जनाब, ये है न्यू वीडियो और ये आपको नज़र आ रहा होगा कि कितना अनबाड़ लगा हुआ है मिट्टी का, ये तो ये सब खोद के निकाला गया है। और ये वो रास्ता है जिसे बंद कर दिया गया है। और जी ये यहाँ पे कुछ कंडीशन है इस तरह रोड की। और ये ट्रैक खोद के जो रोड खोद के जो ट्रैक निकाला गया है ये वो है, इस तरह रोड को बंद किया गया है। और सामने आपको पत्थर भी नज़र आ रहे होंगे कि का सामान भी आ गया है यहाँ पे। तो जी आइए हम आपको दिखाते हैं कि क्या सूरत हाल है इस वक्त ट्रैक की। तो जी ये है नाता खान ब्रिज की तरफ जो जा रहा है ट्रैक, और जो मैंने आपको दिखाई थी वीडियो तो ये एक ट्रैक है जो वहाँ से आ रहा है और ये डिग रोड स्टेशन की तरफ जाएगा यहाँ से।
और ये जी पल खाता हुआ यहाँ से निकलेगा, डिग रोड स्टेशन की तरफ जाएगा। तो जी जनाब, हम लोग आप लोगों की फरमाइश पर पहुंच गए हैं नाता खान ब्रिज के नीचे, और आपको दिखा रहे हैं वहाँ की न्यू कंडीशन, न्यू सूरत हाल के क्या और कितना काम हो चुका है। तो जी ये है ट्रैक जिसे खोद के निकाला गया है ज़मीन से, और पूरा रोड तोड़ दिया गया है यहाँ से, और जी ये निकला है यहाँ से ट्रैक और इस पे हुआ है काम। और ये है रोड की सूरत हाल आपके सामने के लोग किस कदर परेशान हो रहे हैं। तो जी ये है वो दरियाफ हुई है चीज़ें जो खोद के ज़मीन के अंदर से, तो जो सालों से यहाँ पे दफन थी, और शायद किसी को याद भी ना हो कि यहाँ से कोई ट्रैक उतरता हो। तो ये है वो ट्रैक जो घूमता हुआ जाएगा टिक रोड स्टेशन की तरफ। तो जी चलते हैं अब आगे, क्योंकि अंदर मजदूर हैं और थोड़ी सी हमारी हिम्मत बढ़ी है कि अंदर कुछ लोग हैं। तो चलते हैं अंदर, आपको दिखाते हैं आगे कि क्या है ट्रैक की कंडीशन अंदर तक की। तो ये तो आप बाहर से देख लें कि ये है वो ट्रैक, इस पर काम हुआ है, और फिर हम आपको लेके चलते हैं जनाब अंदर की तरफ। ये भी एक ट्रैक है जो अभी दफन है ज़मीन में, अभी तक नहीं निकला। तो जी जनाब चलते हैं अंदर, क्योंकि हमें कुछ मजदूर वगैरह नज़र आ गए हैं अंदर बैठे हुए। तो आइए देखते हैं कि कहाँ तक काम हुआ है इस पर। तो जी बाइकों का यहाँ से गुजरना बहुत मुश्किल है, इसलिए मुझे पैदल जाना पड़ रहा है, नहीं तो मैंने पूरी वीडियो ही बाइक पर बनानी होती है। तो जी ये है वो ट्रैक, आपको नज़र आ रहा होगा कि काफ़ी काम हो चुके हैं, पत्थर वगैरह डाल दिए गए यहाँ तक। तो देखते हैं आगे और क्या क्या काम हुआ है। तो ये है यहाँ की जी सूरत हाल, ये है वो ट्रैक जो नाता खान ब्रिज से निकलेगा, गुलिस्तान चौर से आएगा अंदर से, और डिग रोड स्टेशन की तरफ जाएगा। तो जी एक दफ़ा फिर मैं बाइक पर सवार हो चुकी हूँ, और जी ये दूसरा ट्रैक है जो यहाँ डाला जाएगा, और ये इस तरह करके रख दिया गया है, अब इस पर काम होगा। फिलहाल तो पहले ही ट्रैक की अभी मरम्मत चल रही है, और यहाँ जनाब मजदूर बैठे हुए पानी पी रहे हैं क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो जी चलते हैं, आज फर्स्ट टाइम मैं इतनी अंदर आई हूँ सिर्फ इस वजह से कि यहाँ मजदूर बैठे हुए थे और लोग नज़र आ गए थे, वरना हम इतनी अंदर नहीं आते। तो ये वो ट्रैक है जो मैंने अभी आपको मैप के ज़रिए दिखाया था, ये वो सारा ट्रैक है जिसको खोद के निकाला गया है, और अभी इस पर काम हो रहा है कि काफ़ी जगह से जी गायब है यहाँ पे, और पत्थर भी डलेंगे यहाँ पे। तो अभी यहाँ काफ़ी काम अभी बाकी है, और मजदूर लगे हुए हैं इसको बहाल करने के लिए। तो जी काम तो अभी चल रहा है, स्लो है लेकिन हो रहा है, उम्मीद है कि शायद कुछ हो जाए। तो जी ये वो ट्रैक है जो मैंने आपको मैप के ज़रिए भी दिखाया था, और उसके साथ ही जनाब यहाँ से ट्रेन घूमती हुई जौहर की तरफ जाएगी, और जो दूसरा यहाँ से एक और ट्रैक गुजर रहा है जो दूसरी साइड से निकलता है ब्रिज के, वो रहा ट्रैक आपको नज़र आ रहा होगा, वो दूसरी साइड से निकलेगा और वो डिग रोड कॉलोनी की तरफ जाएगा, और ये डिग रोड स्टेशन की तरफ जाएगा। तो दो पटरियाँ आ रही हैं, एक इस तरफ से और स्टेशन के, और एक उस तरफ जा रही है। और जी आगे है डिबू हिल स्टेशन, तो ये है वो दूसरा ट्रैक जो मैंने आपको मैप में दिखाया था, दूसरी ब्रिज साइड से निकलेगा, और आगे है जनाब स्टेशन, डिपू हिल स्टेशन है ये, यूनिवर्सिटी रोड के बाद आएगा। लेकिन अभी भी हम वहाँ नहीं जाएंगे क्योंकि वहाँ अभी भी सन्नाटा है, तो हम यहीं से वापस निकलते हैं। Thank you.
तो जी हम पहुंच गए हैं रिकॉर्ड स्टेशन और वो आ रहे हैं नाता खान ब्रिज के नीचे से क्रॉस होता वाला ब्रिज। क्रॉस होकर आएंगे यहाँ पे केसीआर साइड से आएगा से निकल के तो जी मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरा आज का ये व्लॉग आपको पसंद आया होगा। तो लाइक और कमेंट करके मुझे अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। जब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए अल्लाह हाफिज़।